हाय दोस्तों, स्वागत है आज के एक और नए वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वाटहीन धारा किसे कहते हैं। तो आपका प्रश्न है वाटहीन धारा किसे कहते हैं, तो उत्तर देख लीजिए। जब किसी प्रतिवर्ती धारा परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व अथवा धारिता अथवा दोनों ही प्रतिरोध शून्य हो, तब जब प्रतिवर्ती धारा परिपथ में केवल प्रेरकत्व तथा धारिता हो तो इस प्रकार के प्रतिवर्ती धारा परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा में कोई शक्ति क्षय नहीं होता है, अर्थात औसत शक्ति क्षय शून्य रहता है। तब परिपथ में प्रवाहित इस धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। एक बार और देख लीजिए, वाटहीन धारा किसे कहते हैं। जब किसी प्रतिवर्ती धारा परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व अथवा धारिता अथवा दोनों ही प्रतिरोध शून्य हो, जब किसी प्रतिवर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व अथवा धारिता दोनों शून्य हो, तब तब क्या होता है। जब प्रतिवर्ती धारा परिपथ में केवल प्रेरकत्व तथा धारिता हो तो इस प्रकार के प्रतिवर्ती धारा परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा को कोई शक्ति क्षय नहीं होता है, अर्थात औसत शक्ति क्षय शून्य रहता है। तब परिपथ में प्रवाहित इस धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। जब प्रतिवर्ती धारा परिपथ में केवल प्रेरकत्व अथवा धारिता रहता है तब प्रतिवर्ती धारा परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा में कोई शक्ति क्षय नहीं होती है, अर्थात औसत शक्ति क्षय शून्य रहता है। तब परिपथ में प्रवाहित इस धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देख लिया। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल पर आपको ऐसे ही एजुकेशन वीडियो मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।